कि आप भी चाहते हो आपके फर्स्ट 1K फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे यूं चुटकी बजाते ही कंप्लीट हो जाए, तो यार आप एक करेक्ट वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में यार आपको मैं बता दूंगा बहुत ही ज्यादा लेस पीरियड ऑफ टाइम में आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स किस तरीके से गेन हो जाएंगे। फर्स्ट 1K फॉलोअर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। ये जो फॉलोअर्स है यार, ये फॉलोअर्स को मैंने विद इन 4 months में गेन किया है। मेरा टाइम पीरियड अलग है, आपका भी टाइम पीरियड अलग हो सकता है, आपका जल्दी हो सकता है, मेरे से भी जल्दी हो सकता है। तो वो कैसे हो, मेरी पूरे आपको मैं टिप्स दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से जेन्युइन फॉलोअर्स आप गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना गाइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टिप नंबर फर्स्ट इज शो योर अकाउंट एवरीवेयर। आपको जो आपका अकाउंट है ना, वो हर तरफ शो करना है। तो हर तरफ क्या मतलब, पोस्टर लगाएं सिटी में, पूरी सिटी में पोस्टर्स लगाएं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, तो पहले उनको आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आप शो कीजिए, वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप एक लिंक बना सकते हो इनके मदद से उनके तक पहुंच पाए। कोरोना ने जैसे किया था ना, लिंक के जरिए जैसे फैलता गया ना, उसी तरीके से आपको लिंक के जरिए फैलते जाए। नहीं, आप कोरोना नहीं, पहले आप पौधा लगाइए, पानी डालने का प्रोसेस और बताऊंगा, लेकिन पहले पौधा तो लगाइए। ओके, पहले शो कीजिए कहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे कोई किसी के अकाउंट पे यूजर के आता है, हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। तो इसी तरीके से आपको ग्रुप्स होंगे, छोटे मोटे ग्रुप्स होंगे, तो उन ग्रुप्स में आपको जो अकाउंट है ना इंस्टाग्राम, उसे शेयर करना है। कुछ ग्रुप्स होंगे ना, उस ग्रुप्स में आपका अकाउंट शेयर करना है। लाइक, हे देयर, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन फॉलो मी, यू विल हैव फन ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गिव यू फॉलो बैक। तो इस तरीके तो लाइक टिप नंबर सेकेंड इज हैव अ गुड बायो। तो देखिए, आपने हर जगह पे इसके बारे में सुना होगा, या फिर अलग अलग वीडियोस में सुना होगा कि बायो अच्छा रखने से फॉलोवर्स आते हैं। तो अच्छे से मुराद क्या, अच्छे से मतलब क्या है आपका? अच्छे से ये मतलब है कि क्लीन, रियल एंड अट्रैक्टिव बायो आपका होना चाहिए। लाइक कुछ लोग होते हैं सिम्बल्स उठाते हैं, कुछ भी सिम्बल्स वगैरह कुछ भी लगा देते हैं। अरे यार, वो समझ में ही नहीं आता है, तो वो अट्रैक्ट कैसे होगा, ये आप पहले मुझे बताइए। आपका अच्छा सा जो आप हैं, फेक नहीं, जो आप हैं उसको अच्छे से लिखिए। उसमें कुछ शायरी, हिंदी, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, पोएट्स, शायरी कुछ भी वहाँ पे लिखिए। आप क्या करते हैं वो लिखिए। तो यार, जो भी न्यू यूजर्स आएगा पहले वो चेक मारेगा कि अट्रैक्टिव भाई इसका बायो क्या है। अगर उसे बायो पसंद आएगा तो ऑब्वियसली फॉलो भी करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोई आप शॉप में जा रहे हो, ओके, आप शॉप में जा रहे हो और वहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी लग रही, कुछ अट्रैक्टिव है इसमें, यूजर आता है अट्रैक्टिव, इसका बायो अट्रैक्टिव है, तो वो पहले आपका बायो देखेगा, फिर आपको फॉलो करेगा। पेशेंस रखना, तो देखिए पेशेंस रखना है आपको इस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की जर्नी में छोटे छोटे विक्ट्रीज मिलेंगे, तो उन छोटे छोटे विक्ट्रीज को बड़े विक्ट्रीज में बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। टिप नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं गाइस, बी जेन्युइन, बी रियल। ओके, डोंट गेन एनी फेक फॉलोअर्स, अवॉइड फेक फॉलोअर्स। ओके गाइस, आपको फेक फॉलोअर्स बिल्कुल गेन नहीं करने हैं। तो आपका जो इम्प्रेशन है ना, वो जो इम्पैक्ट जो आपको पढ़ने वाला रहता है ना इंस्टाग्राम पे, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा फेक फॉलोअर्स की मदद से। लाइक कुछ वेबसाइट्स होते हैं, कुछ अलग अलग बहुत ढेर सारे वेबसाइट्स हैं, जाते हैं आप देखते हैं 50-100 फॉलोअर्स वहाँ से आपके गेन करते हैं। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके देखते हैं तो 100 फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं, लेकिन वही अगले दिन आप चेक मारते हो तो भाई कितने फॉलोअर्स हैं, 50। तो इस तरीके से होता है यार, वो फॉलोअर्स ड्रॉप होते हैं, उसके जो फेक फॉलोअर्स होते हैं, जो वेबसाइट से फॉलोअर्स आप लेते हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं गाइस हम। टिप नंबर 4 इज provide and satisfying and engaging content.
आप किसी भी चीज से रिलेटेड आपका अकाउंट हो सकता है, लाइक मीम का अकाउंट हो सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड अकाउंट हो सकता है, ड्राइंग का अकाउंट हो सकता है, आर्ट्स अकाउंट हो सकता है, एंड अलग अलग कैटेगरी के नेचर रिलेटेड अकाउंट हो सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टॉक इमेजेस आपको डाउनलोड कर लेना है, HD स्टॉक इमेजेस। आपको शेड्यूल बना के रखना है, लोगों को इंगेज करके रखना है कि भाई कब और क्या पोस्ट करें। शेड्यूल लाइक इस दिन में ये पोस्ट करूंगा, उस दिन में वो पोस्ट करूंगा, इस हफ्ते में ये पोस्ट करूंगा, लाइक इस तरीके से शेड्यूल वाइज अगर आप चलोगे तो लोगों को भी वो पसंद आएगा, लोगों को भी वो इंगेज करेगा। और ऊपर से हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आप डालोगे, जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको हाई क्वालिटी आप कंटेंट डालोगे, तो यार याद रखना आपके फॉलोअर्स बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने लगेंगे। फर्स्ट लोगों को बोर होने मत दीजिए। एक बार अगर लोग आपसे बोर हो गए ना, तो यार जितना भी मना लो, यार कितना भी मेहनत कर लो, उसके बाद वो लोग वापस नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें बोर मत होने देना, इंगेज करके रखो, शेड्यूल वाइज अपलोड करो, हैव अ गुड एंड गुड एंड गुड डिसिप्लिन। टिप नंबर 5 इज बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंस। देखिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना होगा, अगर आप कुछ भी चीज को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना होगा। शेड्यूल वाइज अपलोड करते हो तो शेड्यूल वाइज अपलोड करना है, इस दिन चुक गया उस दिन चुक गया वैसे नहीं। तो कंसिस्टेंसी इज अ की टूवर्ड्स अ सक्सेस, ये तो आपने सुना होगा। उसी तरीके से ये इंस्टाग्राम पे भी लागू होता है। Stay tuned for the next update. Thanks for watching.